14 अप्रैल 2022 ब्लैक सी फ्लीट की फ्लैगशिप क्रूजर मोस्क्वा ब्लैक सी में ही डूब जाती है। दो रीजन यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं, जिसमें से पहला जो है वो यूक्रेन के द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि दो यूक्रेनियन नेपच्यून मिसाइल ने इस शिप को हिट किया करीबन 300 किलोग्राम के कंबाइंड वॉरहेड के साथ, और यहाँ पर जो डैमेज है वो इतनी ज्यादा थी कि ये ब्लैक सी की गहराइयों में खो गई। दूसरी एक्सप्लेनेशन जो आती है वो रशिया से आती है, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि ऑनबोर्ड रखे एमिनेशन में विस्फोट होने की वजह से मोस्क्वा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई और रशिया ने उसे खो दिया। दोनों ही एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस इम्पैक्ट का है। एक का इम्पैक्ट जो है वो यूक्रेन के मोराल को बूस्ट करता है और रशिया के मोराल को नीचे करता है, और दूसरी एक्सप्लेनेशन का जो इम्पैक्ट है वो रशिया की फेस सेविंग करता है। रियलिटी जो है वो किसी को भी क्लियरली नहीं मालूम। तो ये जो घटना घटी है इसे काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आखिरी रशिया ने अपना फ्लैगशिप जो है वो 117 साल पहले खोया था बैटल ऑफ सुशिमा में जापानीज इंपीरियल नेवी के हाथों, और अब 2022 में 12,000 टन के एक क्रूजर को लूज किया गया है एक ऐसी कंट्री से लड़ते हुए जिनकी नेवी जो है वो ना के बराबर है। मोस्क्वा एक लेजेंडरी क्रूजर मानी जाती है और ये स्लावा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर है, जिसको 1983 में सर्विस में कमीशन किया गया था और उसके 7 साल बाद यानी कि 1990 में ही रिटायर कर दिया गया था। फिर 10 साल बाद इसको दोबारा से रीइंस्टेट किया गया और अप्रैल 2000 से ये रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट की फ्लैगशिप थी। तो स्लावा क्लास के 3 क्रूजर जो हैं वो रशियन नेवी के साथ सर्विस में थे, जिसमें जो मोस्क्वा है वो सबसे पहली थी, उसके बाद दूसरी जो है वो मार्शल उस्तिनोव है और तीसरी जो है वो वारियाग है। अब यहाँ पर खाली 2 ही शिप बची हैं। तो मोस्क्वा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिप थी रशिया के लिए। पास्ट रशियन एडवेंचर्स में ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रही थी रशियन ऑपरेशंस में, जिसमें जो सबसे फेमस है वो जॉर्जिया का इन्वेजन है, जहां पर जॉर्जियन नेवी द्वारा इसको हिट किया गया था एक मिसाइल से, लेकिन ये शिप जो है वो तब सरवाइव कर गई थी। इस बार ये इतनी लकी नहीं रही। 2020 में इसके करीबन 2.5 महीने के रिपेयर और मेंटेनेंस किए गए थे, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये 2040 तक सर्विस में रह सकती है, पर फेत का कुछ पता नहीं, उसके 2 साल बाद ही अब ये ब्लैक सी की गहराइयों में गुम है। तो मोस्क्वा जो है वो रशिया की एक बड़ी स्टिक थी। जब 2015 में रशियन SU-24 को टर्की द्वारा शूट डाउन किया गया था, तब भी मोस्क्वा को वहां पर डिप्लॉय किया गया था, क्योंकि इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल S-300 दी गई हैं एयर डिफेंस के लिए, लेकिन बाद में इसको इसकी सिस्टरशिप वैराक से रिप्लेस कर दिया गया था। इवन क्राइमिया के इन्वेजन के दौरान भी यूक्रेनियन एक्टिविटी को रोकने के लिए मोस्क्वा को ही डिप्लॉय किया गया था। तो मोस्क्वा के लॉस को काफ़ी बड़ा माना जाता है रशियन पर्सपेक्टिव में, और ऐसी शिप के अगेंस्ट में जब ये चीज़ सामने आती है कि इसको 2 नेपच्यून मिसाइल ने हिट किया है एक ऐसी कंट्री के द्वारा फायर किए जाने पर, जिसके पास खुद की नेवी खाली नाम के लिए है, तो ये रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बन जाता है। तो ये जो ऑनबोर्ड एमिनेशन फायर की थ्योरी बताई जाती है ये थोड़ी सी वीक लगती है। हम इसे कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं है। अगर मोस्क्वा की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर P-1000 वल्कन मिसाइल यूज़ करी जाती हैं, जो कि Mach 3+ स्पीड पर फ्लाई करते हुए किसी भी सरफेस टारगेट को या शिप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं 700 किलोमीटर के मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा घातक बताई जाती है। डिफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें तो उसके भी चर्चे अच्छे खासे हैं। करीबन 64 S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं यहाँ पर, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज देती हैं शिप को, और अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें तो OSAM या फिर Gecko SR-SAM जो हैं वो 40 के नंबर में यहाँ पर हैं। इतने तगड़े डिफेंस होने के बावजूद अगर 2 एंटी शिप मिसाइल आकर आपको हिट कर रही हैं तो ये आपके सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद भी आपके पास एक तीसरी लेयर है करीबन 6 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम की। 6 AK-630 का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि आपको 360 डिग्री कवरेज मिल जाती है। इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद आपको 2 मिसाइल्स आकर हिट करती हैं, जो कि इतने बड़े क्रूज़र को डूबने पर मजबूर कर देती हैं। और ये बात भी हम आपको बता दें कि ये जो 2 मिसाइल्स आकर हिट करी हैं ये कोई सुपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है, ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। तो ये रशियन नेवी के मोराल को कितना नीचे ले जाएगा और रशियन नेवी के खौफ को कितना कम कर देगा, इसका अंदाज़ा हम अपने आप को रशिया की साइड पर रख कर लगा सकते हैं।
कि जो आपकी सबसे बड़ी तोप थी, जिसको आप अपने हर कॉन्फ्लिक्ट में दुश्मन को डराने के लिए भेजा करते थे, अब वो ब्लैक सी में कहीं गुम हो गई है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर आप सेंसर्स को देखेंगे जो कि मोस्क्वा में लगाए गए हैं, बेसिकली जो रडार्स लगाए गए हैं वो एक्चुअली काफ़ी पुराने समय के हैं। यहाँ पर आपको एक भी AESA रडार नहीं मिलेगा, और जो नेपच्यून मिसाइल है वो अपग्रेड है KS-35 का, जहाँ पर उसके रडार क्रॉस सेक्शन को तो कम किया ही गया है, साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट में कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया गया है। तो एक वीक सिस्टम के अगेंस्ट में एडवांस मिसाइल को यहाँ पर यूज़ किया गया है। मोस्क्वा में दो बड़े 3D सर्च रडार हैं, जिसमें पहला जो है वो MR-800 है, दूसरा जो है वो MR-710 है। अगर आप मोस्क्वा के सिचुएशनल अवेयरनेस को देखेंगे तो ये 1980s के हिसाब से सही है, पर 2020 के हिसाब से नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एंटीशिप मिसाइल अगर हिट करती है, उसकी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। तो मोस्क्वा का डूबना एक ऐसा इवेंट है जो कि नेवल हिस्ट्री में हमेशा के लिए कैद रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।